और वो सामने जो देख रहे हैं माशाल्लाह यही है हागिया सोफिया मस्जिद, ये देखिए। वाओ, हागिया सोफिया मस्जिद जो है लगभग 500 ईस्वी के आसपास बनी थी और लगभग इसे जो है 1500 साल के आसपास हो चुके हैं और 900 साल जो है ये चर्च रही और 500 साल जो है ये मस्जिद रही। मैंने अपनी लाइफ में इतनी भीड़ ना, इतनी लंबी लाइन ना मस्जिद के लिए नहीं देखी, तो ये मस्जिद में आ चुके हैं। तो यहाँ से करीब से वो फोटो दिखाई दे रहा है, पर ये जो आप देख रहे हो ना ये फरिश्ते हैं। तो जब ये चर्च हुआ करती थी तो इन लोगों ने 4 फरिश्ते बनाए थे, और देखो इसके एक तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, ये चेहरा देख रहे हैं। वाकई में यार बहुत ही प्यारी मस्जिद है भाई, मतलब 1.5 घंटा हो गया मुझे बट निकलने का मन ही नहीं कर रहा, बहुत ही प्यारी मस्जिद है। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफर। तो फाली मैं हूँ इस्तांबुल में और ये इस्तांबुल का सबसे अच्छा ब्लॉग होने वाला है। इसका लोग ना इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ हागिया सोफिया मस्जिद दिखाने के लिए। जब आप टर्की आते हो ना तो टर्की का सबसे फेमस पॉइंट और सबसे ज्यादा भीड़ वाला पॉइंट यानी क्राउड वाला पॉइंट है हागिया सोफिया मस्जिद। ऐसी क्या बात है इस मस्जिद के अंदर जो आज हम इसको देखने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। ये मैं अपने होटल में हूँ और मेरे होटल से जो हागिया सोफिया मस्जिद की दूरी है वो सही तरीके से 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये मेरा होटल है और मैं आपको नीचे का व्यू दिखाऊं, वो जस्ट अमेजिंग, ये देखो। तो ये आप देख रहे हैं इस्तांबुल की गलियां, ये देखिए। यूरोप का जो कल्चर है ना उसकी बात ही अलग होती है, ये देखिए जस्ट अमेजिंग कितना शानदार व्यू आ रहा है ना। मतलब ये पहली जगह देखी मैंने, अगर आप यहाँ पर इंस्टा पर रील अपलोड कर रहे हो ना या कोई पोस्ट अपलोड कर रहे हो ना तो यहाँ पर ना कोई फिल्टर की ज़रूरत है नहीं, नेचुरल ब्यूटी। देखिए पेड़ देख रहे हैं, यहाँ की जो फिज़ा है ना उसकी बात ही निराली है, ये देखिए। तो अभी जो हम चल रहे हैं वो चलने वाले हैं हागिया सोफिया मस्जिद। तो ये हमारे होटल का रिसेप्शन है, देखो क्रिसमस की तैयारी चल रही है कितनी शानदार। और अभी भी जो चल रहा हूँ ये हमारा होटल रिसेप्शन है, अभी जो मैं चल रहा हूँ वो चल रहा हूँ यहाँ की गलियाँ दिखाने के लिए इस्तांबुल की। ओहो क्या व्यू है यार, जस्ट अमेजिंग, देख रहे हो वाकई में यार, मतलब ना मन लग रहा है यहाँ। ओहो जाम देख रहे हो कितना लंबा जाम, क्योंकि ये ना सबसे मेन रास्ता है हागिया सोफिया जाने के लिए, बट यहाँ का जो रास्ता है व्यू है वो कितना अमेजिंग है ना। पेड़ देख रहे हो, क्योंकि इस समय ना ठंड का मौसम चल रहा है और कल ना हम बुरसा गए थे तो वहाँ हमें बर्फ तो नहीं मिली बट मौसम बहुत प्यारा था। ये देखो गजब यार। तो भाई ये इस्तांबुल है और यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है क्यों ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह, अच्छे शहरों में से एक शहर माना जाता है, मतलब नॉट वन बट टॉप 10 में माना जाता है ये। ये देख रहे हो क्या जबरदस्त व्यू है, और जो समुंदर देख रहे हो ना सामने, ये समुंदर देखिए, ये वही समुंदर है जहाँ एशिया और यूरोप का है मिलन होता है, ये देखो। तो अभी हम जो है आगे जा रहे हैं, वाकई में यार रास्ते में तो मज़ा आ गया बट जाम देख रहे हो कितना तगड़ा जाम है। तो भाई फाइनली मैं इस्तांबुल जो है रात आ गया था, तो रात में हागिया सोफिया मस्जिद आया था घूमने के लिए, तो मैंने सोचा पहले मैं घूम लेता हूँ उसके बाद में ब्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि क्या होता है ना पहले खुद के अंदर क्यूरियोसिटी होती है। तो मैं रात आया था तो मैंने वहाँ नमाज भी अदा करी थी और मैं सोचता था यार चलो रात को ब्लॉग बना लूँ, तो मज़ा नहीं आता लाइट का, क्योंकि यार बार बार तो हम इस्तांबुल आ नहीं रहे। चलो खैर सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको, गजब यार गजब। अरे सामने देख रहे हो यहाँ पर सुल्तान सुलेमान हमाम, तो ये जो हमाम है ना टर्किस की जो पहचान है ना वो हमाम के नाम से है, क्योंकि हमाम जो है ओटोमन एम्पायर के टाइम से है। तो ये भी एक्टिविटी करूँगा मैं और ये मैं आपको दिखाऊँगा, इसका प्राइस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 95 यूरो, ये पूरा लगभग 2.5-3 घंटे का प्रोसेस होता है पूरा। खैर ये रेट तो सबके अलग अलग होते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं बुरसा गया था ना तो वहाँ पर 600 साल पुराना हमाम है, मैंने उसकी ऑलरेडी वीडियो बनाई है। वो दौर था ओटोमन एम्पायर की, जो 5वीं सुल्तान है ना सुल्तान महमद, उन्होंने बनाया था, और आज वहाँ पर सिल्क हाउस है, उसको वो सिल्क हाउस में तब्दील कर दिया है, लेकिन बहुत अच्छा है। वो सारे आप ब्लॉग देख सकते हो, या तो आ गए होंगे, नहीं आ गए होंगे तो अपलोड होंगे, वो देख लेना, पूरी सीरीज मज़ा आएगा आपको। तो काफ़ी ना ऊपर को चलना पड़ रहा है बट आपकी यहाँ गलियाँ देखी आपने, यहाँ गलियाँ देखो, यानी देख रहे हो साफ सफाई देख रहे हो। देखो तो ये होती है यूरोप, आई थिंक ये वाला हिस्सा तो यूरोप में ही होगा, ये देखो
भाई रात आया था ना, इतना एंजॉय आ रहा था इस रास्ते पे। तो यहाँ ना ये स्ट्रीट फूड है, कितना महंगा कितना सस्ता उस पर मैं ब्लॉग बनाऊंगा। तो ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये इस्तांबुल विलेज उधर जा रहा है। अभी जो हम जा रहे हैं ना सुल्तान महमद, इस साइड जा रहे हैं, ठीक है। जब हम बुरसा गए थे ना, इस रास्ते से गए थे, और अभी जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं हागिया सोफिया मस्जिद। ये इसका मेन रास्ता है, आप इधर से भी जा सकते हो, बट हम इधर से जा रहे हैं। गलियाँ देखिए यहाँ की। मैंने कहा था तर्किश हमाम जो है ना यहाँ का, जो चार पांच मेन काम है ना, उसमें से एक काम है। देखो ये एमेर सुल्तान, सबका प्राइस अलग अलग होता है, और ये यहाँ का ना काफ़ी जो है एक तरह से प्रोफेशनल बाथ माना जाता है। और यहाँ पर तीन चार काम है, एक तो टेक्सटाइल का काम है इस्तांबुल में, बुर्सा में तो मेन काम है। और यहाँ पर 4000 मस्जिद बताई जाती हैं टर्की के अंदर, और हर मस्जिद की अपनी एक अलग ही व्यू है। तो यहाँ पर जो मस्जिद पर पत्थर लगाए जाते हैं ना, तो एक्चुअल में यही इनका बिजनेस है। और एक अच्छी बात है कि दे आर प्रमोटिंग देयर बिजनेस। और फिर दूसरा कालीन है, कालीन तो खैर इतना नहीं है, बट टर्किश हमाम और यहाँ का जो ये पत्थर है, ये दो मैन इनके काम है। ये देखो ये वाला जो पत्थर है ना, ये साइब लुक लाइक जैसे मकराना पत्थर, आई थिंक मकराना ही हो सकता है ये, जैसे ताजमहल पे लगा हुआ है ना। आगे एक रास्ता वो आता है जहाँ पे वो चलता है ना, बीच में जो छोटी सी रेल सी होती है, क्या होता है ड्रोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता भी नहीं है। देखेंगे भाई उसे भी देखेंगे। तो भाई वहीं चल रहे हैं अभी हम। और यहाँ ना टर्की का जो मेन बिजनेस मैं बताना भूल गया आपको, वो लेदर है, प्योर लेदर होता है। लेकिन थोड़ी कॉस्ट मुझे महंगी लगी, लेकिन हाँ यार लेदर तो थोड़ा महंगा होता ही है, तो लेदर है। बाकी जो जैम्स वगैरह है, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है ना, वो ब्लैक टी तो होती होती है, लेकिन उसके बाद जो है एप्पल टी है, अनार टी है। तो उस पर भी मैंने ब्लॉग बनाया है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया है टर्की को। कुछ यहाँ बिल्डिंग ना बहुत पुरानी है, और अभी हम मेन उस जगह पर आ गए जहाँ से हागिया सोफिया के लिए हम मिलने वाले हैं। ये सामने जो मस्जिद दिखाई दे रही है ना आपको, ये ब्लू मस्जिद है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ सामने का व्यू देख सकते हो, कितना ज़बरदस्त कितना प्यारा व्यू है। तो देखो यहाँ पे ना इसकी बाउंड्री कर रखी है चारों तरफ से। ये जो है ना, ये रोमन साम्राज्य के दौरान की जो चिन्हित पॉइंट है, और उधर जो म्यूजियम है, और जस्ट सामने जो है ना वो है ब्लू मस्जिद। इस पर मैं ऑलरेडी ब्लॉग बनाया है। अभी जो हम जा रहे हैं ना हागिया सोफिया मस्जिद जा रहे हैं, उसके लिए भी यही रास्ता है। और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो बन रहा है ना मरमारा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी शायद बन रही है यहाँ पर। तो अभी जो हम सीधे उधर चल रहे हैं, तो इसी जगह पर ना चार पांच पॉइंट है, चाहे वो सुल्तान महमद मस्जिद हो, यानी टॉप कापी जो एक वो है ना जो बना है यहाँ पर, म्यूजियम बना है वो भी धरी है, हागिया सोफिया भी धरी है, तीन चार पॉइंट जो है धरी है। और इसका व्यू ना बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा व्यू है। और यहाँ का जो है ना, मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका मैं ऑलरेडी ब्लॉग बना चुका हूँ, वो देख सकते हो आप। अगर शॉर्ट में बताऊँ तो जो रोमन साम्राज्य है ना, उसके दौरान यहाँ पर चिन्हित है। आपको पता होगा दुनिया में ना बहुत सारी सल्तनतें आई हैं, बहुत सारी सल्तनतें आई हैं, हजारों। लेकिन शायद आपको एक दो का नाम पता होगा, जैसे मान लीजिए मुगल एम्पायर इंडिया का आपको पता है, उसके आद आपको पता होगा, रोमन साम्राज्य का आपको पता होगा, चंगेज खान मंगोल का आपको पता होगा, उसके बाद सिकंदर का पता होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाम है ना, वो ओटोमन एम्पायर का है। वो क्यों है, वो मैं आपको बुसरा वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। देखो ये जो व्यू देख रहे हो ना आप, ये है ब्लू मस्जिद, यानी सुल्तान महमद मस्जिद, और यहीं पर उनका जो है मकबरा है। यहाँ का आप व्यू देखो, कितना ज़बरदस्त व्यू है ना, बहुत। जब आप यहाँ पर आते हो ना, तो आपका मन लगता है, वाकई में मन लगता है यार। और मैं बताता हूँ, इस्तांबुल वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। जितना भी मैं घुमाऊँ, इसको मैं पहले नंबर पर रखूँगा सेफेस्ट। सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ आते हो ना, तो यूरोप कल्चर से आपकी मुलाकात होती है, मतलब हॉस्पिटैलिटी इनकी गजब है। और बहुत ही, जितने भी मैं होटल में रुकाऊँ ना, मेरा सबसे गुड एक्सपीरियंस मेरा अभी जो है टर्की, वो तो आप देख ही रहोगे जितने भी होटल में रुका हूँ। तो यहाँ पर इनका लोकल फूड है, ये जो ये दे रहे हैं तुम्हारे की, जो भुट्टा होता है ना, भुना हुआ भुट्टा उबाल कर, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 15 लीरा का है, ये आप देख सकते हो, रेट है 15 लीरा। ये यहाँ का लोकल मार्केट है। यहाँ की सबसे फेमस जो मार्केट है ना, जो 600 साल पुरानी है, वो ग्रैंड मस्जिद है, यानी दुनिया की पहली और सबसे ओल्डेस्ट मार्केट है, जो पूरी कवर्ड है और 600 साल पुरानी है। उस पर भी मैंने ब्लॉग बनाया है, बहुत ही शानदार लोकेशन। ये यहाँ की लोकल बस है, जो आपको पूरे यहाँ के जो हॉट पॉइंट है, यहाँ के जो फेमस पॉइंट है, वो घुमाती है आपको। इसके रेट अलग अलग है,
लेकर 10 यूरो से लेकर 50 यूरो 60 यूरो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ भी लिखे हुए होते हैं पॉइंट, ये आप देख सकते हो। सो मतलब अलग अलग प्राइस होते हैं पॉइंट के हिसाब से। तो ये आप ब्लू मस्जिद देख रहे थे, इसका रास्ता ये वाला है, और वो सामने जो देख रहे हैं माशाल्लाह यही है हागिया सोफिया मस्जिद। वाओ क्या प्यारा व्यू है। तो दोस्तों आप देख रहे हो इस समय हागिया सोफिया मस्जिद, ये देखिए। मैं थोड़ा सा हागिया सोफिया मस्जिद के बारे में बता दूं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ क्यों होती है, क्योंकि हागिया सोफिया मस्जिद जो है लगभग 500 ईस्वी के आसपास बनी थी, और लगभग इसे जो है 1500 साल के आसपास हो चुके हैं, और 900 साल जो है ये चर्च रही, और 500 साल जो है ये मस्जिद रही ओटोमन एम्पायर के टाइम। उसके बाद इसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया, और उसके बाद इसे कुछ टाइम पहले ही जो है दोबारा मस्जिद में है तब्दील किया गया, यानी मस्जिद जो मस्जिद थी पहले दोबारा मस्जिद में हो गई है। तो यानी ये एक जो इमारत देख रहे हो ना, ये समय समय पर तीन चार रूप में रही है, गिरजाघर में रही है यानी चर्च में रही है, म्यूजियम में रही है, मस्जिद में रही है, फिर दोबारा मस्जिद हो गई है। भीड़ देखो, ये जो पूरी भीड़ देख रहे हैं ना मस्जिद की, कितनी लंबी लाइन है, यानी ये लाइन यहाँ से घूम के आ रही है। रात में तो बहुत कम लाइन हो जाती है, छोटी सी है ये देखो। तो अभी हमें वहाँ पीछे लगना है, वहाँ से लग कर ना हमें जो है इस मस्जिद में जाना है। ये देखिए हागिया सोफिया मस्जिद, तो ये हागिया सोफिया मस्जिद की भीड़ है, और वो देख सकते हो आप, वो है तुम्हारे की ब्लू मस्जिद पास में है। तो अभी हम इसी लाइन में लग रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में इतनी भीड़ ना, इतनी लंबी लाइन ना मस्जिद के लिए नहीं देखी, बहुत लंबी लाइन है। तो अभी जो है हम अंदर चल रहे हैं, फिर वहाँ से व्यू दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से ना आप इस मस्जिद का लुक देख सकते हो, हागिया सोफिया का, जिसे जो है आया सोफिया भी बोला जाता है, ये देखिए। और यहाँ पर ना कुछ भी आई, बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हिस्टोरिकल पॉइंट मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, बहुत कम चेंज हुआ है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि जब ओटोमन एम्पायर पर बैन लगाया गया था ना 1922 में, 100 साल के लिए आपको पता है, तो उस समय जब वहाँ के राष्ट्रपति हुए थे, यानी टर्की के राष्ट्रपति हुए थे, तो उन्होंने इस जगह को ना तो चर्च में रखा, ना ही मस्जिद में रखा, और इसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया। तो इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। उसके बाद जब यहाँ के अर्दोगन जो राष्ट्रपति बने, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है दोबारा मस्जिद होगी। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, और आने का जो है उस साइड से है, और भीड़ देखिए बहुत लंबी लाइन है, बहुत पीछे तक लंबी लाइन है। और जो स्पेशली लेडीज़ जा रही हैं उनके लिए, जब जाएंगी ना तो उनके सर को जो है ढका जाएगा, मतलब विदाउट आप उसके स्कार्फ के आप अंदर अलाउ नहीं है, गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए। यहाँ से देखो, यहाँ से भी जा रहे हैं, बट आगे जा करके इनको जो है सर ढकना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अंदर घुसेंगे ना, तो ये जो देख सकते हैं ये वजू करने के लिए हैं, क्योंकि अंदर भीड़ होती है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर वजू कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट है, जहाँ पर जो है चेकिंग वगैरह होती है, बैग वगैरह चेक किया जाता है, जहाँ से फिर हमें पास होना है। तो हम जो है सिक्योरिटी पॉइंट से आगे आ चुके हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना स्कार्फ के लिए, यहाँ पर ये लोग स्कार्फ जो है सेल करते हैं, क्योंकि स्कार्फ लगाना ज़रूरी है सिर पर। और यहाँ आइएगी, यहाँ भी आपको ना ओल्ड जो चीज़ें ना यहाँ देखने को जो है मिल जाएंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जगह है, जो आज मस्जिद है, ये रोमन साम्राज्य के दौर में बनी थी। और क्या होता है ना, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनमें भी फिरके होते हैं, तो पहले ये रोमन साम्राज्य के उसमें रही, फिर उसके बाद जो है इसको चर्च में तब्दील कर दिया गया। उस समय भी चर्च थी, फिर चर्च में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद जब ओटोमन एम्पायर आया, तो उस समय इस जगह का नाम जो है, उससे पहले कुस्तुनतुनिया हुआ करता था। उसके बाद जब नाम चेंज हुआ, तो इस जगह का नाम जो है तुम्हारे की इस्तांबुल रखा गया, और उसके बाद इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। ये इसका व्यू देख सकते हो। तो 1922 तक ये मस्जिद रही, उसके बाद ही मस्जिद रही, लेकिन जब ओटोमन एम्पायर पर जो है प्रतिबंध लगा, बैन लगा, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम के, उन्होंने इसको क्या किया, ना ही तो मस्जिद रखा, ना चर्च रखा, इन्होंने म्यूजियम में तब्दील कर दिया। तो इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें कही गई कि इस मस्जिद को चेंज ना किया जाए। वो जो आप देख रहे हो ये वजू है, यहाँ पर आप आगे जाकर वजू कर सकते हो, ये पूरा देखो मतलब वजू के लिए है। तो अभी जो है हम अंदर जा रहे हैं, बहुत कुछ ओल्ड मिल जाएगा यहाँ आपको देखने के लिए। ये देखिए ये सब कुछ ओल्ड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जो है अभी हम अंदर चल रहे हैं, ये आप देख सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो कब ये मस्जिद फतेह हुई थी, और पूरा इसके बारे में मेंशन है। इधर जो है लेडीज सेक्शन है, और इधर जेंट्स सेक्शन है, जहाँ से अंदर एंट्री करेंगे। ये देखो यहाँ से पढ़ सकते हो, जब ओटोमन एम्पायर आया था और कुस्तुनिया पर फतेह पाई,
जब नाम चेंज हुआ इस्तांबुल, तब जो है ये मस्जिद में मस्जिद को फतह किया गया। यहाँ पर बताया जाता है जो आया सोफिया है वो शायद इजिप्शियन के बताया जाता है, इजिप्शियन की कोई बड़ी पर्सनैलिटी होंगी चाहे वो संत हों या जो भी हों, उनका ये मकबरा बताया जाता है। ये देखिए, तो अभी जो है हम अंदर चल रहे हैं। गेट देखिए, तो ये सूज का सेक्शन है जहाँ मैं जूते उतारने अपने। और एक चीज़ बताऊँ आपको, जूते जो है इस लाइन से पहले पहले उतारने, बहुत सारे लोग आगे करते हैं गलती कर देते हैं, यहाँ पुलिस आ जाती है, इस लाइन से इधर इधर उतारने। तो हमने शूज़ रख दिए इसमें, अभी जो जा रहे हैं ना हम अंदर जा रहे हैं। अभी इस समय ना नमाज़ पढ़ाई जा रही है क्योंकि एक बज गया है, चलो मुझे भी नमाज़ मिल जाएगी। तो ये मस्जिद में आ चुके हैं, पहले मैं नमाज वाला सेक्शन करता हूँ जहाँ नमाज हो रही है, उसके बाद मैं वीडियो बाद में दोबारा शुरुआत करूँगा। फाइनली दोस्तों मस्जिद के अंदर एंट्री हो चुकी है और माशाल्लाह आप देख रहे हो ये हागिया सोफिया मस्जिद। देखो जो लाइन खड़ी है ना वहाँ से अंदर जो है लेडीज़ नहीं आ सकती, लेडीज़ का जो सेक्शन है उधर है। और अभी बिल्कुल जस्ट नमाज हुई है और नमाज़ पढ़ी थी हमने। और यहाँ से ये देखिए झूमर कितने बड़े बड़े हैं, जब यहाँ आओगे तो आपको ना पुरानी जो हिस्ट्री है ना वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक कलर को भी चेंज नहीं किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ और यहाँ से आप ये मस्जिद देख सकते हो हागिया सोफिया। मैं इसके सारे पॉइंट दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आप आओगे ना तो आपको ये पॉइंट देखना मिलेगा। ये पॉइंट वो हुआ करता था उस समय जहाँ पर ताजपोशी हुआ करती थी, यानी रोमन साम्राज्य में जब ये बनी थी तो यहाँ पर ताजपोशी हुआ करती थी उनके बादशाह की। तो इस जगह को चिन्हित कर लिया गया है और ये जगह आज भी ऐसे के ऐसे छोड़ दिए। ये देखो पहला पॉइंट, ये आप देख सकते हो, ये पहला पॉइंट है। और उसके बाद अभी मैं आपको दूसरा पॉइंट दिखाता हूँ। दूसरा पॉइंट जो है ये है, जब ये मतलब ओटोमन एम्पायर ने जब फतह की तो इस जगह पर जो है बच्चों के लिए स्कूलिंग मदरसा, यानी यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे नमाज के बाद जब फ्री टाइम होता है। तो आज ये जगह देखो ऐसी है और ऊपर जो है लोग नमाज पढ़ रहे हैं और बच्चे पढ़ते भी हैं यहाँ पर, क्योंकि हम रात आए थे तो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे। ये यहाँ का सेकेंड पॉइंट है, ये आप देख सकते हो, वो वाला पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये आप देखिए। अब थर्ड पॉइंट जो है वो यहाँ से नमाज के लिए है, क्योंकि जब भीड़ होती है तो नमाज़ तो वहाँ तक भी होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल लोग यहाँ तक जो है नमाज़ पढ़ते हैं। ये देखो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। और ये देखिए ये मस्जिद आप देख रहे हैं माशाल्लाह, हागिया सोफिया मस्जिद। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, सामने जो आपको वो दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो सफ़ेद वाइट चादर है ना, अगर ध्यान से देखेंगे इसके पीछे ना एक पिक्चर है, देखो शायद इधर से भी दिखाई देगी। ये पिक्चर माँ मरियम की और बच्चे की, यानी किसी ना किसी की पिक्चर है, तो इसको कवर्ड कर दिया है बट हटाया नहीं है इस पिक्चर को। इसके पीछे यहाँ से देखो पिक्चर दिखाई दे रही होगी। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट तो आप देख रहे हो, ये जो प्लेट्स दिखाई दे रही हैं ना जिस पर अल्लाह लिखा हुआ है, इधर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो इस्लाम के चार खलीफा हैं, हजरत उमर हैं तुम्हारे के, हजरत अली और जो अबू बकर, ये प्लेट लगी हुई हैं सारी की सारी, आप देख सकते हो। ये देखिए एक प्लेट ना बहुत बड़ी है, मतलब एक दरवाजे से भी ज़्यादा बड़ी है। ये देखो ये अल्लाह, ये प्लेटें लगी हुई हैं, ये देखो। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, पहले ये प्लेट देख लीजिए, ये आप प्लेट देख सकते हो। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको अगला पॉइंट। तो आपने वो तो देख लिया जहाँ पर फ़ोटो दिखाया था ना, तो यहाँ से करीब से वो फ़ोटो दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है माँ मरियम के हैं और उन्होंने जीसस को गोद ले रखा है, मतलब ये जो है क्रिश्चियन बिलीव के अकॉर्डिंग। तो ये फ़ोटो को ढक दिया गया है, हटाया नहीं गया है। और यहाँ पर जो प्लेट लग रही है, इसकी कहानी ये है कि जब ये म्यूजियम बना था ना तो इस प्लेट्स को हटाने की कोशिश की गई थी और मेरे हिसाब से एक दो प्लेट हटा भी दी थी, लेकिन ये बहुत बड़ा है तो ये हटा नहीं पाए थे। देख रहे हो कितनी बड़ी प्लेट है ये,
तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी प्लेट है, ये आप देख सकते हो अल्लाह, फिर यहाँ पर हमारे नबी और साथ में जो खलीफा हैं इस्लाम के, ये देखो इस तरह की यहाँ पर प्लेट्स आप देखोगे, काफ़ी बड़ी प्लेट है ये आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं ये वाला जो सेक्स है ना ये पूरा लेडीज़ के लिए है, नमाज के लिए, ये तो सब बाद में बनाया गया होगा ये वाला। और अभी जो मैं लेके चल रहा हूँ ना आपको, वो एक पॉइंट और है यहाँ का जो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है, ये आप माशाल्लाह देख सकते हो, खूबसूरती तो है वाकई में इसकी। और एक चीज़ और, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो दिखाने वाला हूँ आपको, वाकई में यार बहुत ही प्यारी मस्जिद है भाई, मतलब एक डेढ़ घंटा हो गया मुझे बट निकलने का मन ही नहीं कर रहा, बहुत ही प्यारी मस्जिद है। तो अभी ना नमाज हो गई है और मैं यहाँ का ना आपको एक पॉइंट और दिखाता हूँ, अब यहाँ पर सारे लोगों की देखो एंट्री हो गई है, एक पॉइंट यहाँ का जो मैन है ना वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप ये जो देख रहे हैं ना मस्जिद, यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर ना ये देखो, ये तो मैंने आपको नेम प्लेट दिखाई, इससे अलावा यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना ये फरिश्ते हैं, तो जब ये चर्च हुआ करती थी तो इन लोगों ने चार फरिश्ते बनाए थे, और देखो इसके एक तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, ये चेहरा देख रहे हैं, तो ये फरिश्ते इधर, एक फरिश्ता ये है और एक ये है और एक ये है, इन लोगों ने चार फरिश्ते बनाए। और इनकी सोच ये थी कि फरिश्ते जो है इस जगह को जो है मतलब संभाले हुए हैं, फरिश्ते जो है इसकी इस जगह की जो है देखभाल कर रहे हैं, तो ये आज भी वो फरिश्ते जो है ऐसे कैसे ही है, बट इसके चेहरे को जो हटा दिया गया, एक चेहरा है जो अभी भी ऐसा कैसे ही है, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये फरिश्ता, इसका देखो चेहरा अभी भी आप देखेंगे, बाकी सबके हटा दिए हैं, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं जो है ना आपको थोड़ा आगे लेकर चल रहा हूँ, देखो दुआ वगैरह सब आ गई तो सब लोग एंट्री हो गई, देखो सारे लोग इसमें अंदर आ चुके हैं, ये देखो कितना बड़ा जो है झूमर लगा हुआ है, ये देखो। अभी जो ना मैं आपको आगे लेकर जा रहा हूँ, ये पोर्शन तो मैंने आपको बता दिया, ये वाला भी बता दिया, ये देखिए माशाल्लाह। और उसके बाद वहाँ पर नमाज होती है वो दिखा दिया मैंने, और इसमें से कुछ पोर्शन जो है नए बनाए गए हैं, कुछ इसको पहले की तरह इस पर रखा गया है। इसमें स्पेशली जो एक चीज़ है ना वो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यहाँ पर जो पेंटिंग है ना पुरानी वाली, वो आज के ऐसे रखी गई हैं, इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, बट अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोग आ गए, एक्चुअली भीड़ आ गई। अब मैं आपको जो है नेक्स्ट पॉइंट दिखाता हूँ यहाँ का, अभी ना मैं आपको यहाँ अंदर लेके जा रहा हूँ। तो ये लाइब्रेरी है यहाँ की, लाइब्रेरी पोर्शन है ये आप देख सकते हो, और जैसे मैंने कहा था कि ये छोटे छोटे बना रखे ना ये बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और ये ओटोमन एम्पायर के दौर से ही बन गए थे। देखो ये हो गया, इधर ये लाइब्रेरी हो गई पूरी, अंदर यहाँ पर जो है आप देख सकते हो। उसके बाद अब मैं जो लेके जा रहा हूँ ना आपको, एक जगह और है जहाँ पर अभी भी आपको जो क्रिश्चियन लोग हैं ना उनके मार्क दिखाई दे जाएंगे, और उसको आज भी हटाया गया नहीं है, और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर जो है फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये देखो ये देख सकते हो, और ये वाला पूरा पोर्शन आप देख सकते हो। ये देखिए स्पेशली लोग जो है, ये देखिए आज भी ये निशान ऐसे कैसे ही हैं। और एक सबसे बड़ा जो निशान है ना वो बाहर लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक्चुअली यहाँ लोकतंत्र है, देखो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही तो होती है कि आप एक गैप रखते हो बीच में। ये चाहते जब ये मस्जिद हुई इसको सब कुछ हटा सकते थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया और इन्होंने आज भी इसको जो है रखा हुआ है। तो ये मैंने दिखा दी, अब मैं इसका एक वाइड एंगल भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले यहाँ का सामने का व्यू देखिए, ये सब पूरा ओल्डेस्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो चाहे तो यहाँ पेंटिंग हो सकती है आराम से, बट आज भी इन्होंने पेंटिंग नहीं करी, इसको ऐसे का ऐसे रखा गया है। ये देखिए अब मैं इसका आपको वाइड एंगल व्यू दिखाता हूँ। मैं ना अभी बाहर जा रहा हूँ, और एक चीज़ जो नेम प्लेट है ना, जो अल्लाह की नेम प्लेट है ना, ये इतनी बड़ी नेम प्लेट है कि एक दरवाजे से बड़ी है,
जब ये म्यूजियम बनाना तो इसको हटाने की कोशिश की गई, बट ये लोग हटा नहीं पाए। तो अभी जो है मैं बाहर जा रहा हूँ, और बाहर जा करके एक निशान और है जो है ना वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। जब नमाज होती है ना तो कोई अंदर नहीं जाता, अब नमाज हो चुकी है तो देखो कितनी भीड़ अंदर। ये देखिए सिक्योरिटी बहुत टाइट है भाई यहाँ की। तो अभी हम चल रहे हैं बाहर। यहाँ पर और भी कुछ निशान है जो मैं थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अब ये पता नहीं, देखो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ये मार्बल जार है जो 1574 से लेकर 1595, ये आप देख सकते हो, और यहाँ से इसके बारे में पढ़ भी सकते हो आप। और अभी मैं जो जा रहा हूँ बाहर जा रहा हूँ, उससे पहले एक बार और आप यहाँ का व्यू देख सकते हो। तो मैं अभी जा रहा हूँ बाहर, ये वही गेट है जहाँ से हम आए थे, ये वाले गेट से आए थे। आप इस गेट से भी तीनों गेट से कहीं से भी जो है आ सकते हो। तो भाई मैंने जूते पहन लिए, हम जो आए थे ना इस गेट से आए थे, और अभी जो जाएंगे ना हम इस गेट से जाएंगे। और यहाँ पर ना बताया गया है कि मस्जिद की जो है किस तरीके की रूपरेखा है, पूरा ये बताया गया है, यहाँ से आप देख सकते हो। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पर ही आगे जो वो नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पर अभी भी पिक्चर लगी हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आप देख सकते हो, ये वो पिक्चर है जो आज भी लगी हुई है, इसको हटाया नहीं गया है। आई थिंक माँ मरियम है, और इन्होंने जीसस गॉड इनके हिसाब से इन्होंने गोद में ले रखा है। ये देखिए लोग आते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोटो खींचते हैं। ये आज भी जगह चिन्हित किया गया, हटाया नहीं गया बिल्कुल भी। तो अभी हम जो है बाहर चल रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ, और आपने देखी थी ये मस्जिद थी हागिया सोफिया मस्जिद, और इसको मैंने पूरी डिटेल से आपको समझाया। आई होप ये आपको समझ में आई होगी, ब्लॉग पसंद आया होगा आपको। और एक दो व्यू और हैं सामने की जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो है जहाँ पर वजू होता है, और यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देखो, ये मेंशन किया गया है, पिक्चर वगैरह आप अंदर की देख सकते हो, और पुराने दौर की भी इसमें पिक्चर को एक तरीके से रेखांकित किया गया है, ये आप देख सकते हो। और इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जो ओटोमन एम्पायर जब इन्होंने इस मस्जिद को फतह किया था, ये यहाँ पर आप एक जो चीज़ देखोगे ना, एक जो जाली होती है उसका रहस्य क्या है वो मैं अपने दूसरे ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगा, ये आप देख सकते हो। और अभी हम बाहर आ चुके हैं। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो तो फेसबुक का पेज है मेरा अरबाज ब्लॉग के नाम से। फेसबुक पर जाओगे ना अरबाज ब्लॉग सर्च करोगे, वहाँ हमारा फेसबुक पेज आएगा, उस पेज को फॉलो कर सकते हो। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो इस वीडियो को तो यूट्यूब पर चैनल हमारा अरबाज ब्लॉग के नाम से, उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन जब बेल है ना उसको भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो डालो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। साथ ही साथ जिस भी कंट्री को आप एक्सप्लोर होते हुए देखना चाहते हो ना, मेरी प्लेलिस्ट चेक करें आप। मैं ये मेरी 6 कंट्री है, और 6 कंट्री को मैंने एक्सप्लोर किया अच्छे तरीके से अपने अंदाज में, सारी वीडियो देख सकते हो। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ अगर आप मुझे बात करना चाहोगे, DM करोगे तो मैं रिप्लाई करते करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।